अगर आप भी आपके फेस पर पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम लगाते हैं तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, आज हम इस वीडियो में पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम का फुल रिव्यू करने वाले हैं। सब कुछ आपको इस क्रीम के बारे में जानकारी मिल जाएगी, 101% सही जानकारी मिलेगी, आपको वीडियो पूरा जरूर देखना है। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम एक ऐसी क्रीम है जिसको हर कोई जानता है या हर कोई यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली क्रीम है ये। फेस पर लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, पूरा आपका फेस है उस पर लोग यूज़ करते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए यूज़ करते हैं। पहले हम जानेंगे कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है, लोग क्यों यूज़ करते हैं और सही यूज़ करना क्या होता है। लोग अक्सर इसको फेस पर यूज़ करते हैं पिंपल्स को हटाने के लिए, जो आपके फेस पर कील मुहासे होते हैं उसको हटाने के लिए, या फिर आपके फेस को गोरा करने के लिए इसका यूज़ आप करते हैं या फिर इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका यूज़ और भी कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट आपने देखा होगा बहुत खतरनाक होते हैं, लोग इसका नाम सुन के डरते हैं कि यार मुझे ये यूज़ नहीं करना है, इसके इतने खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं। अगर और कोई भी उनसे पूछता है कि भाई हम पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम यूज़ कर सकते हैं क्या, तो फिर वो बोलते हैं भाई साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होते हैं इसके। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। पहले हम बात करते हैं कि ये किस किस की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये फंगल के लिए यूज़ किया जाता है, आपका जो स्किन फंगल होता है, आपके फेस पर दांत खाद खुजली वगैरह जो भी कुछ होता है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। और आपके फेस पर अगर पिंपल्स हो रहे हैं, डार्क स्पॉट, ब्लैक स्पॉट या गड्ढे हो रहे हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए ये इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपका फेस डार्क है, सांवला है, तो उसको गोरा करने के लिए भी इस क्रीम का यूज़ ये जाता है। और अगर आपकी दाढ़ी नहीं आ रही, आपके फेस पर बाल नहीं है, आप ये चाहते हो यार मेरी दाढ़ी आ जाए, तो आप पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम दाढ़ी को उगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको लगाने का सही तरीका अगर आप जान लोगे तो आपको बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे। लोग अक्सर क्या करते हैं, इसको दिन में, रात में कभी भी यूज़ कर लेते हैं, कैसे भी यूज़ कर लेते हैं, फिर इसके बाद वो नुकसान सामने देखने में मिलते हैं। अगर आपके फेस पर पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम लगाते हैं और लगाने के बाद धूप में जाते हैं तो सनलाइट जो होती है, सूर्य की जो रोशनी आपके फेस पर पड़ती है, या फिर लाइट, या फिर कहीं आप आग के पास जाते हो, गर्म चीज़ के पास जाते हो, तो ये आपके फेस पर लग रही है तो ये पिघलना चालू कर देगी और ये गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद आपकी स्किन से ये चिपक जाएगी, फिर इसके बाद आपकी स्किन रेड हो जाएगी, या फिर स्किन से ब्लड निकलने लग जाएगा, या फिर बहुत सारे पिंपल्स आपके फेस पर आने लग जाएंगे। ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं, जब होते हैं जब आप गलत तरीके से यूज़ करते हैं। तो पहले हम जानते हैं इसका यूज़ करने का सही तरीका क्या होता है। इसका यूज़ ओनली आपको रात को यूज़ करना है, आपके फेस को अच्छे से साफ़ करें, किसी भी साबुन, शैम्पू, फेस वॉश जो भी आप यूज़ करते हैं आपके फेस को साफ़ करने के लिए, फिर धुलने के लिए, तो आप उससे साफ़ करें, फिर इसके बाद सूखे कपड़े से आप आपके फेस को पोंछ लें। इसके बाद आपको पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम लगाना है, आपको इसकी मात्रा थोड़ी सी लेना है, ये इतनी निकल रही ना, इतनी आपको मात्रा लेना, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना, ये आपको दिख रहा है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना, यानी एक मक्के के दाने के बराबर आपको लेना है। और पूरे फेस पर आप लगाना चाहो तो पूरे फेस पर लगा सकते हैं, फेस को गोरा करने के लिए, और अगर आप दाढ़ी उगाना चाहते हो तो आप दाढ़ी को उगाने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नाइट में आपको लगाना है, रात को आपको लगाना है, और सुबह सो के उठते हैं ना, उसके बाद अगर दिन उगिया यानी सूरज की रोशनी, अगर सूरज निकल गया तो आपको तुरंत ही फेस वॉश करना है या फिर नहाना है, और अगर सूरज नहीं निकला है तो आपको सूरज उगने से पहले आपको फेस को वॉश करना है, यानी कहीं ना कहीं आपको धूप में नहीं जाना। इसको लगा के अगर आप धूप में जाओगे तो फिर आपको साइड इफेक्ट होंगे। अगर आप धूप में नहीं जाओगे, रात ही रात में इसका यूज़ कर लोगे, रात को आपने लगाई, सुबह 4, 5, 6, 7, 8 बजे तक आप आपके फेस को वॉश कर लिया, तो 1% भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे। मैं भी इसका यूज़ करता हूँ, मुझे इसके बारे में पूरा नॉलेज है कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। इसको अगर और भी चीज़ों मिक्स करके लगाते हैं तो और ज़्यादा फायदे पहुँचते हैं, जैसे कि आप इसमें फेयर एंड लवली क्रीम मिला के लगाते हो आपके फेस पर तो आपका फेस गोरा होता है, और अगर आप फेयर एंड लवली और पेंड्रम प्लस प्लस आपकी दाढ़ी पर लगाते हो तो आपकी दाढ़ी काली होती है और घनी ज़्यादा होती चली जाती है। तो इससे आपके फेस को आप गोरा कर सकते हैं, पिंपल्स हटा सकते हैं और आपकी दाढ़ी भी आप उगा सकते हैं। फिर अगर आपको गलती से भी साइड इफेक्ट हो जाए तो आपको क्या करना है, इसको लगाना तुरंत बंद करना है, यानी आप हर रोज़ इसका यूज़ कर रहे थे, नाइट में या डे में आप जब भी यूज़ करें और आपको इसके नुकसान होने दिख गए, आपका फेस रेड हो गया, पिंपल्स आ गए, या फिर ब्लड आ गया आपके फेस से, या और अदर कोई नुकसान हो गया, तो आपको कम से कम एक हफ्ते तक इसको लगाना बंद करना है, कुछ भी नहीं लगाना आपके फेस पे। आप सिंपल सा आपका फेस वॉश करें, जो भी आप मॉइस्चराइजर क्रीम लगाते हो,
फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, जो भी आप लगाते हो उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना, आपको ये क्रीम का यूज़ नहीं करना। फिर धीरे धीरे इसके जो साइड इफेक्ट है वो सही होने लग जाएंगे और आपका फेस पहले जैसा था वैसा का वैसा हो जाएगा। इससे अगर आपने एक बार दाढ़ी उगा ली तो इसकी दाढ़ी नहीं जाती, इसकी परमानेंट दाढ़ी आती है। अगर आपके फेस पर एक भी बाल नहीं है, आप इस क्रीम का यूज़ करें, आपके फेस पर बाल आ जाएंगे। अगर बाल पतले हैं आप इसका यूज़ करें, आपके बाल मोटे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे। और अगर आपके जो बाल हैं लाल सफ़ेद भूरे हैं तो आपके बाल काले होने लग जाएंगे। तो ये खास करके दाढ़ी को उगाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है और आपको करना चाहिए अगर आपकी दाढ़ी नहीं आ रही है तो। और अगर आपका फेस आपको गोरा करना है, पिंपल्स आपके फेस पर ज़्यादा, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फेयर एंड लवली क्रीम मिला के अगर आप इसका यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छे फायदे होंगे। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस आपको 100 रुपये से ऊपर देखने को मिलेगी, 105, 110 या 100 रुपये में आपको मेडिकल पर मिल जाती है। इसका यूज़ कम से कम आपको 18 साल के बाद यूज़ करना चाहिए। आजकल क्या होता है, जो कम एज के बॉयज़ हैं वो यूज़ करते हैं, फिर उनको नुकसान होते हैं, उनके फेस पर बाल आ जाते हैं, दाढ़ी आती है, फिर वो शेविंग करते हैं, शेविंग करने के बाद उनका फेस और भी ज़्यादा ख़राब दिखने लग जाता है। यानी जब आप मेच्योर हो जाए, आपके अंदर मेच्योरिटी आ जाए, सोचने समझने की शक्ति आ जाए भाई क्या गलत है क्या सही है, तब आप इसका यूज़ करें। और अगर आपको इसके नुकसान देखे तो आपको बिल्कुल भी इसका यूज़ नहीं करना है। अब बात ये करते हैं कि इसका रिजल्ट कितने दिन में आता है। आप अगर फेस को गोरा करने के लिए इसका यूज़ करते हैं तो मुश्किल से 5 से 7 दिन में आपका फेस गोरा दिखने लग जाएगा, आपके फेस के पिंपल्स रिमूव होने लग जाएंगे, हटने लग जाएंगे। 5 से 10 दिन के अंदर आपको आपका फेस गोरा ये कर देगी। और अगर हम दाढ़ी उगाने की बात करें कितने दिन में दाढ़ी आती है, तो ये कम से कम 1 महीने के बाद अपना रिजल्ट देने लग जाती है। यानी जो आपकी दाढ़ी है वो बहुत स्लो ग्रोथ करती है। आपने देखा होगा कि दाढ़ी के बाल बहुत आराम से बढ़ते हैं। तो अगर आपकी दाढ़ी ही नहीं है और आप इसे दाढ़ी उगाना चाहते हो तो कम से कम 1 महीना इसको लगातार लगाए, रोज रात के समय लगाए, अच्छा फेस वॉश करके। इसके बाद 1 महीने बाद आपके नए बाल उगने चालू हो जाएंगे और आपकी जो बियर्ड है वो भी काली घनी मोटी उगने लग जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि इसका यूज़ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। अगर आपको इसके साइड इफेक्ट देखने को मिले तो आपको क्या करना है, इसकी प्राइस क्या होती है, इसका रिजल्ट कितने दिन में आता है, ऐसी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए, अगर ज़रूरी है कि आपको पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम ही लगाना है तभी आप लगाए। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ फेस को गोरा करने के लिए क्रीम यूज़ कर रहा हूँ तो उसके लिए आप अदर ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। बियर्ड को ग्रोथ करने के लिए तो बियर्ड ऑयल्स भी बहुत सारे आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, ये क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़रूरी हो कि आपको पेंड्रम ही यूज़ करना है तो आपको पहले पूरी जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। अगर आपके इसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो बड़ी मुश्किल से सही होते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपको सब कुछ इसमें जानकारी मिल गई होगी कि आपको कब यूज़ करना चाहिए और अगर आपको नुकसान हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये था पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम का फुल रिव्यू। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाती है, बिना किसी डॉक्टर की सलाह से आप इसका यूज़ कर सकते हो और अगर आप चाहो तो डॉक्टर की सलाह से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आइए ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।